हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सेंटर बेतपेजी में न्यू अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन पूरा पहुंचे आपके पास। कुछ लड़कों का भी नोटिफिकेशन नहीं पूरा पहुंच रहा है, ठीक है? तो शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए। बात करते हैं यू पी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2019, लास्ट डेट 20 नवंबर 2019। फीस की बात की तो जनरल या ओबीसी का जो फीस है आपका 600 रखा है और एससी एसटी का जो फीस है आपका 400। एक चीज़ आपको बता दूँ क्लियर कि जो बिहार के जो लड़के हैं, जो बिहार का जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको 600 ही आपको देना पड़ेगा। 600 रुपये आपको लगेगा क्योंकि आप लोग जनरल में फाइट करिएगा, ठीक है? और एससी एसटी का जो फिर जो उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, यूपी के जो निवासी होंगे उनका फीस को 400 रुपया रखा गया है। बोथ पेपर जो अप्लाई करेंगे यानी 1 से 5 या 6 to 8, 1 से 5 या 6 to 8 जो अप्लाई करेंगे उनके लिए आपको 1200 रुपया देना पड़ेगा वो बोथ पेपर के लिए, ठीक है? क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन के जो ग्रेजुएशन पास 50% मार्क्स विथ द बी एड बैचलर ऑफ या बैचलर ऑफ एजुकेशन ट्रिनिटी ओ और या इंटर पास या 50% मार्क्स विद द VLED 4 ईयर का डिप्लोमा, यानी कि VLED जो आपका कोर्स होगा 4 ईयर का होगा, ठीक है? या अपेयरिंग या कंप्लीट और ग्रेजुएशन विद द 2 ईयर BTC या स्पेशली, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें पेपर 1 के लिए। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको, जो लड़का बीएड पास किया है, जो लड़का बीएड पास किया है उनका मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% है, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो 1 से 5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं 6 to 8 की, जो 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका 50% मार्क्स या बीएड या स्पेशल एजुकेशन फाइनल या अपेयरिंग हो, दोनों में से कोई हो आपका या अपेयरिंग में हैं आप, तब पर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई आपको एक हो, आप इस 6 to 8 या 1 से 5 दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बात करते हैं फिर यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है आपको, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या 45% मार्क्स विथ बी एड आपको 45% भी मार्क्स रहेगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पास होना ज़रूरी है आपका इसमें, बीएड जो लड़का किया उसमें पास होना आपका ज़रूरी है, ठीक है? कोई अफेयरिंग नहीं दिया हुआ है इसमें। बात करते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मैट्रिक और इंटर और बीए या एमए विथ द बीएड आपका सारा मार्कशीट लगेगा और एक फ़ोटो जो कि बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए, जो आपका सिग्नेचर होगा वाइट पेज पर होगा ब्लैक पेन से होना चाहिए। आईडी प्रूफ में बात की जाए तो पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, ये सारा कुछ आपका होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है? एक चीज़ बता दूँ, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट या बीए, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और बीए जो लड़का है जो बीएड किए हैं उनको 3 डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, मैट्रिक इंटर और बीए का मार्कशीट, और जो लड़का एमए किया है तो मैट्रिक इंटर बीए और एमए तीनों का मार्कशीट विथ आपका साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है? थैंक्स दोस्त, चैनल आपका अच्छा लगे जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिए। थैंक्स।